संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन की तरह तिलक दे रघुवीर ये देखिए बहुत अच्छा लगता है। उनकी कृपा है, ये कलयुग के राजा है घनश्याम बाबा। आनंद की प्राप्ति हो रही है बाबा के दरबार में, बढ़िया लग रहा है, एकदम शांति प्राप्त हो रही है। 28 नवंबर को भव्य दिव्य बाबा का कार्यक्रम होना है। खाटू से चल कर खाटू नरेश बीसलपुर बनेगा खाटू धाम। बाबा के जयकारे के एक बार नारे आपके मुंह से सुनना चाहूंगा, बोलिए खाटू नरेश की। नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आशुतोष मिश्रा। इस वक्त हम बीसलपुर में मौजूद है और बीसलपुर में इस वक्त बाबा खाटू श्याम की ऐतिहासिक भव्य और दिव्य निशान यात्रा के हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। आपको बता दें बीसलपुर में बाबा खाटू श्याम की जो निशान यात्रा है वो बेहद भव्य और दिव्य लगते है। बीसलपुर के बाबा बंगाली बाबा मंदिर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई है। आपको बता दें हजारों की संख्या में निशान यात्रा में बीसलपुर के दर्शक बाबा श्याम के भक्त इस निशान यात्रा में मौजूद हैं। और आपको बता दें 28 नवंबर को बीसलपुर में बाबा का भव्य संकीर्तन होगा जिसमें लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। विगत वर्षों में बीसलपुर के अग्रवाल सभा में ये संकीर्तन हुआ था जिसमें हजारों की संख्या में श्याम प्रेमियों ने शिरकत की थी। और एक बार फिर बीसलपुर के तारा बैंक्वेट हॉल में इस आयोजन को किया जा रहा है और इस आयोजन को देखने के लिए और सुनने के लिए लाखों की तादाद में लोग पहुंचेंगे जिसकी व्यवस्थाएं भी पूर्ण कर ली गई हैं। आपको बता दें बीसलपुर में जगह जगह इस कार्यक्रम को लेकर बैरिकेडिंग की गई है, यातायात की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। बीसलपुर में इस कार्यक्रम को बेहद दिव्य और भव्य बनाने के लिए बीसलपुर श्याम बाबा जो सेवा ट्रस्ट है उसका पूर्ण योगदान है। बात करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। भैया जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, क्या कहना चाहेंगे आप? आज बाबा का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य निशान यात्रा का आयोजन किया गया है जिसमें हम सभी श्याम प्रेमी परिसर का हिस्सा ले रहे हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि संसार में जो भी परेशानी किसी को है उसको दूर करा जाए और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हर साल इस आयोजन करने का मौका दिया जाए। जय श्री श्याम। इस वक्त हमारे साथ शिवम लाडला जी मौजूद हैं जो देश के, यदि कहा जाए तो पूरे देश के बहुत बड़े गायक हैं। अगर उनकी बात की जाए तो अब हम बात करते हैं बाबा श्याम के भजनों के माध्यम से, वो पूरे देश में जाने जाते हैं। भैया श्याम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया आपको बहुत बहुत आभार। जय श्री श्याम सभी को। आज मुझे जो लोग देख रहे हैं हमारे भाई के माध्यम से, आशुतोष भाई के माध्यम से, मैं बताना चाहता हूँ आज तक की मैंने कई निशान यात्राएं करी हैं, लेकिन आज तक की आशुतोष जी मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी भव्य दिव्य निशान यात्रा ना तो मैंने देखी और ना कभी करी। और एक बात और बता दूं, मैं पिछले 3 साल से यहाँ लगातार विधिवत रूप से अपना कार्यक्रम कर रहा हूँ। 3 साल से हमारे भाई सारी पूरा ट्रस्ट हमको बुलाता है, पूरी कमेटी हमको सुनना चाहती है, सुनने के लिए बुलाती है। लेकिन इस बार आशुतोष भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बार पंजाब की शान विशाल सैली जी आपके बीसलपुर में पहली बार आएंगे। हरियाणा की शान प्रियंका चौधरी जी जिन्होंने विश्व में अपना नाम किया है वो आपके हरियाणा यहाँ की बीसलपुर की धरती पर आएंगी। साक्षी अग्रवाल जी आएंगी, सौम्या खंडेलवाल जी आएंंगी और मैं भी अपने मजरों से बाबा को रिझाने आ रहा हूँ। 28 नवंबर को आना ना भूले, तारा बैंक्वेट हॉल भव्य दिव्य संकीर्तन होने जा रहा है, बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बाबा के जयकारे के एक बार नारे आपके मुंह से सुनना चाहूंगा, बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए हरे के सहारे की। तमाम लोग और भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? दीपक सैनी। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है, आप अधिवक्ता भी है, आप बताए किस तरह का ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और किस तरह से खुशी? बहुत भव्य आयोजन है, निशान यात्रा बहुत भव्य तरीके से निकाली जा रही है और ऐसी यात्रा और आगे निखार आएगा, इसमें ऐसे ही कीर्तन होता रहेगा, बाबा की कृपा ऐसी हमारे और आप सब लोगों पर बनी रहे। इसी के साथ में जय खाटू वाले की। सागर गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री श्याम। बहुत ही भव्य दिव्य बाबा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, बहुत खुशी हो रही है। जय श्री श्याम। 28 नवंबर को भव्य दिव्य बाबा का कार्यक्रम होना है। खाटू से चलकर आ रहे हैं खाटू धाम, खाटू नरेश बीसलपुर बनेगा खाटू धाम। सभी इन्वाइटेड है, जिले के मंडल के पूरे यूपी के सभी लोग इन्वाइटेड है, ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। जय श्री श्याम। क्या कहेंगे आप, पीछे पीछे
बोलने आप बता क्या कहना चाहेंगे। जय श्री श्याम। इस बार पहली बार हो रहा है अर्जी महोत्सव, जो खाटू नरेश के सामने अपनी अपनी अर्जी लगाएंगे। जो व्यक्ति खाटू नरेश के समक्ष नहीं पहुंच पाता है खाटू नगरी, वो आके अपनी अर्जी लगवा सकता है। जय जय श्री श्याम। क्या कहेंगे आप? जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बोलो बोलो। शोभा यात्रा निकल रही, बहुत भव्य यात्रा निकल रही है। 28 नवंबर को तारा बैंकेट हॉल में कीर्तन है बाबा की कृपा से। जय खाटू। मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, मेरा आज कार्यक्रम है जसपुर उत्तराखंड में, लेकिन सागर भाई और सचिन भाई के बहुत आग्रह करने पर मैं आया यहाँ। इन भाइयों का बहुत प्यार मिला, इन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन ये लाडला अपनी तरफ से इस बार बाबा के श्रृंगार में मिठाइयों का श्रृंगार दूंगा, इनकी तरफ से नहीं अपनी तरफ से, जो होने जा रहा है 28 नवंबर को। तो आप तो बता दें, अब इसी के साथ हम और लोगों से भी बात करते रहेंगे और उन लोगों से जानकारी लेंगे कि किस तरह से बाबा खाटू श्याम का जो भव्य और दिव्य प्रोग्राम है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं करते हैं, और किस तरह का ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम होगा, इसको लेकर आम जनता मौजूद है। बोला जय बाबा खाटू श्याम। जी क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? और तमाम लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। बाबा खाटू श्याम की जय। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे आप लोग? बाबा खाटू श्याम की जय। आप क्या कहना चाहेंगी बाबा श्याम के? आप दरबार में शामिल होते क्या कहेंगी? बाबा हर साल हम लोग को इसी तरह से मौका दे, और यही बाबा से प्रार्थना है, बाबा सभी को स्वस्थ सुखी रखे। जय श्री श्याम। तमाम और बड़ी तादाद में महिलाएं मौजूद हैं, बड़ी जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कैसा लगता है बाबा के दरबार में आके, कैसा महसूस करते हैं? अच्छा, खुशी। क्या कहते हैं? अखंड आनंद की प्राप्ति हो रही है बाबा के दरबार में। आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम शांति प्राप्त हो रही है। बाबा की निशान यात्रा में शामिल होने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है? पूरा किशनपुर घर पे बैठे हैं, आधा हम लोग निशान यात्रा में जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। 28 नवंबर को कार्यक्रम होगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पे होने वाला है श्याम बाबा के बर्थडे के उपलक्ष्य में, वहाँ पे जाएंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे श्याम बाबा के आगे। बाबा के कार्यक्रम में इससे पहले भी कभी आप सम्मिलित हुई हैं? बहुत बार जहाँ होता है वही जाते हैं। ऐसा लगता है उसमें? बहुत अच्छा लगता है, उनकी कृपा है, कलयुग के राजा है श्याम बाबा। और लोगों से भी बात करते हैं, क्या नाम है आपका? खुशबू शर्मा जी। कैसा लगता है बाबा के कार्यक्रम में आके? सब कुछ छोड़ के बाबा के पास आने में जो मजा है ना, वो कहीं भी मजा नहीं है। अच्छा, बाबा श्याम के कार्यक्रम में इससे पहले भी सम्मिलित हुई है? जी बिल्कुल, हर प्रोग्राम में जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसलपुर में कब कार्यक्रम होगा आप बता पाएंगे? अभी 28 तारीख को होने वाला है, इसमें हम सब लोग शामिल होंगे, अभी पता तो नहीं पता, लेकिन जाएंगे जरूर। जबलपुर के तारा बैंकेट हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और लोगों से बात करते, क्या नाम है आपका? प्रदीप शर्मा। प्रदीप जी, कार्यक्रम में आके कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या नाम है? बहुत आनंद आ रहा है। खाटू श्याम की जय हो भाई। संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन की तरह तिलक दे रघुवीर ये देखिए आरती बाबा के कार्यक्रम में आई, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। निशान यात्रा आज बीसलपुर से निकाली, कहाँ कहाँ से आप निकल के आए अभी? छोटे चौराहे, बड़े चौराहे। कहाँ से शुरू हुई है निशान यात्रा? मंगैया मंदिर से। कैसा महसूस कर रहे हैं आप निशान यात्रा? बहुत अच्छा। कहाँ कार्यक्रम होने वाला है बाबा आगे वाला? तारा वेंकट हॉल में ये कार्यक्रम होगा, जिसमें लाखों की तादाद में लोग पहुंचेंगे, बड़ी तादाद में जनता पहुंचेगी, जिसको लेकर अभी भी अभी से ही खाटू श्याम सेवा ट्रस्ट सहित तमाम जो ऑफिशियल अधिकारी हैं, उन्होंने भी इसको लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। यूपी अपडेट आपसे अपील करता है कि इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में पहुंचे, और सबसे बड़ी अपील आपसे एक और करना चाहूंगा कि बाबा खाटू श्याम का जो कार्यक्रम होता है ये जन सहयोग से होता है, तो आपसे विशेष निवेदन है कि आप भी बाबा खाटू श्याम के इस कार्यक्रम में सहयोग करें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और इस बीसलपुर में होने वाले इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाना आपकी जिम्मेदारी होगा। और कैमरा सहयोगी शरद दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट के लिए।